हेलो गाइस, राम राम, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। मेरा नाम है सौरभ वर्मा फ्रॉम अयोध्या। गाइस, आप लोग कई दिनों से कमेंट कर रहे थे कि अयोध्या में प्रभु रामलला के दर्शन अगर करना हो तो कितना टाइम लगता है दर्शन करने में। जैसे कि यार अभी सुबह का वक्त है और सुबह का वक्त आप देख सकते हैं कितना ज्यादा भीड़ यहाँ पर हो रखा है और कितना टाइम लगेगा। चलिए आपको दिखाता हूँ, मैं अभी दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ और आपको सारी चीजें दिखाता हूँ कि कितना देर में हम दर्शन करके फिर बाहर आते हैं। वैसे अगर आपको यहाँ पर तक पहुँचना हो, चलिए वो भी दिखा देता हूँ कहाँ से, मतलब जहाँ पर आपकी पार्किंग है या फिर रेलवे स्टेशन से आना चाहते हैं तो वहाँ से जो दूरी है वो कितना है, चलिए वो दिखाता हूँ। पहले अगर आप इधर के साइड से आ रहे हैं तो करीब आपको 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर आना होगा, और अगर रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं तो करीब आपको 1 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ तक आना होगा, और अगर इधर के साइड से आ रहे हैं तो आपको करीब 2 किलोमीटर पैदल चलकर फिर यहाँ पर पहुँचना होगा। तो उतना टाइम में, मतलब यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है वो आपको देखना पड़ेगा। मैं अभी आपको केवल मंदिर में दर्शन करने में कितना टाइम लगता है वो चलिए आपको दिखाता हूँ। मेरे घड़ी में अभी आप देख सकते हैं करीब यहाँ पर 9:34 हो रहा है और आज 29 फरवरी का डेट है। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि 4 साल बाद फिर से ये दिन आएगा, 4 साल के पहले नहीं आने वाला है। तो चलिए आज हम चलते हैं मंदिर में, आपको दर्शन करने चलते हैं और आपको दिखाते हैं कितना टाइम लगता है। आपने टाइम देख लिया घड़ी में कितना बज रहा है। अभी मैं रामपथ पर चल रहा हूँ और रामपथ के बगल में ये है राम जन्मभूमि पथ, सामने देख सकते हैं। इधर के साइड से एग्जिट है और उधर के साइड से एंट्री है। अगर आपको एंट्री करना है तो वहां से आपको एंट्री करना होगा। तो चलिए मैं पहले वहां से एंट्री करता हूँ और फिर राम जन्मभूमि पथ पर चलता हूँ और इसके बाद हम लोग मंदिर में चलेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसा यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, जैसे ये जो 2 लेन है इधर की साइड से व्हीकल्स वगैरह नहीं आते हैं और उधर से व्हीकल्स वगैरह आते हैं और उधर से एग्जिट होता है और जो लोग एंट्री करना चाहते हैं यहाँ से एंट्री करते हैं। उसके बाद फिर ऐसे घूम कर फिर उसके बाद मंदिर परिसर में इधर से जाया जाता है। ये है जन्मभूमि पथ, यहाँ पर देख सकते हैं उतना ज्यादा भीड़ आपको अभी नहीं दिखाई पड़ रहा होगा जितना भीड़ आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जो आने वाले श्रद्धालु हैं और जो जाने वाले श्रद्धालु हैं सभी एक जगह जब इकट्ठा हो जाते हैं तो भीड़ ज्यादा हो जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब ग्रुप में लोग आते हैं, जैसे बाहर से एक ग्रुप में लोग आए हैं, तो उस टाइम पर भी बहुत ज्यादा भीड़ हो जाता है। तो कुछ इस तरह से अभी आज का माहौल आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो अब मैं यहाँ से एंट्री कर रहा हूँ और सीधा फिर चलूंगा, मतलब जहाँ से एंट्री है वहाँ से हम लोग चलते हैं अंदर की तरफ। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये है राम जन्मभूमि पथ, यहाँ का ये है प्रवेश द्वार, देख सकते हैं कितना बेहतरीन कितना भव्य बना हुआ है। और यहाँ से हम लोग चलते हैं अंदर की साइड में। व्हील चेयर के लिए कुछ स्पेशल व्यवस्था है, जैसे व्हील चेयर से अगर कोई आना चाहता है तो वहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसी व्यवस्था है, उनके लिए अलग से मार्ग बनाया गया है, व्हील चेयर से जा सकते हैं। पूछताछ केंद्र, सहायता केंद्र इधर बनाया गया है, यहाँ पर कुछ सहायता वगैरह लेना हो तो ले सकते हैं, जैसे अगर कोई खो गया हो नहीं मिला तो सारी चीज़ें यहाँ पर व्यवस्था की गई हैं। अब देख सकते हैं पहले बीच से जाने का रास्ता हुआ करता था, बीच के लोग जाते थे मंदिर में दर्शन करने के लिए, लेकिन अब उधर से मंदिर के दर्शन करके आ रहे हैं और यहाँ से लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो देख सकते हैं कुछ ऐसा माहौल, इतना कुछ भीड़ अभी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। और चलिए अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर यहाँ की जो सुंदरता है, यहाँ पर जो कुछ भी है वो सारी चीज़ें हमने कई ब्लॉग्स में कवर कर रखा है। जब बंद रहा था तब से लेकर बहुत सारी ब्लॉग्स इस वीडियो में इस चैनल पर अपलोडेड हैं, वो भी जाकर आप देख सकते हैं। अभी मैं सुग्रीव किला के पास पहुंचा हूँ, वहाँ पर है सुग्रीव किला उधर की साइड में, और यहाँ से एक मार्ग बनाया जाएगा सुग्रीव पथ, जो कि कुछ टाइम के बाद बनना स्टार्ट होगा। और अभी देख सकते हैं यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की संख्या है, जो जाने वाले श्रद्धालु हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है वैसे वैसे शाम तक श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो कम होती जाती है, और सुबह के टाइम पर ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर रहते हैं। जैसे सुबह के टाइम पर बहुत लंबी लाइन लगी रहती है, बहुत दूर दूर से जो लोग आए रहते हैं सुबह के टाइम पर ज़्यादा लोग दर्शन करते हैं। उसके बाद जैसे जैसे दिन बीतता जाता है वैसे ही
यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या थोड़ा कम होती जाती है, लेकिन उतना कम नहीं होता है कि एकदम से खत्म हो जाए, नॉर्मली चलने लगता है सारी चीजें। और अब यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसे यहाँ पर श्रद्धालु, इतने मात्रा में श्रद्धालु अभी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो कुछ ऐसी व्यवस्था है सारे जगहों पर, अभी आगे लाकर अपना सामान वगैरह जमा कर सकते हैं। चलिए वो भी आपको दिखाता हूँ। पहले जाने के लिए मार्ग था बीच से, लेकिन अब यहाँ पर कुछ काम चल रहा है जिसके वजह से बंद कर दिया गया है बीच से, और इधर से लोग अंदर साइड में जा रहे हैं। अभी मैं करीब लॉकर के पास पहुंच चुका हूँ। यहाँ पर पहले बैग चेकिंग होता है और इसके बाद अंदर में जाकर सामान वगैरह जमा किया जाता है, और फिर वहां से घूम कर फिर मंदिर के दर्शन करने के लिए देखिए सीधा सामने से जाया जाता है। इधर से बंद किया गया है क्योंकि मतलब यहां से सामान चेक होता है और वहीं पर जमा होता है, और फिर उधर से अंदर से ही रास्ता है, उसके बाद इधर से अंदर की तरफ जाया जाता है मंदिर में दर्शन। तो चलिए हम लोग अंदर चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लॉकअप चेकिंग 1 2 3, यहाँ पर स्कैनर मशीन वगैरह लगे हुए हैं और यहीं पर चेकिंग होती है। चलिए अंदर चलते हैं हम लोग। यहाँ पर मशीन वगैरह लगी हुई है चेक करने के लिए, और यहाँ से बैग वगैरह आते हैं मशीन से, स्कैनर मशीन से, और उसके बाद यहाँ पर बैग वगैरह लेकर फिर वो आप जो मंजिल देख रहे हैं बिल्डिंग, वहाँ पर जाकर जमा होता है। चलिए वहाँ पर हम लोग चलते हैं और देख सकते हैं यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो आपको बहुत ही ज्यादा दिखाई पड़ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर लॉकर बना हुआ है और यहीं पर सब लोग सामान जमा करते हैं और यहीं से सामान लेते हैं, और मंदिर के दर्शन करने के बाद फिर ये जो मार्ग देखते हैं यहाँ से फिर बाहर जाया जाता है, यहाँ से एंट्री होती है और उधर से एग्जिट होता है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कहाँ पर आपको अपने सामान वगैरह जमा करने हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपके जूते चप्पल जमा करने की स्टैंड बनाए गए हैं, वहां से लेकर और वहाँ पूरा उधर तक और उधर तक पूरा स्टैंड कुछ ऐसा बना हुआ है जहाँ पर अपने जूते चप्पल आप जमा कर सकते हैं। और फिर जमा करने के बाद फिर हम लोग चलेंगे लॉकर की तरफ, जहाँ पर आप अपने बैग, मोबाइल, इलेक्ट्रिक डिवाइस, जितने भी चीजें हैं वो आपको यहाँ पर जमा करने होंगे, तभी आप मंदिर के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि आगे चेकिंग पॉइंट बना हुआ है। वहां पर अगर जाते हैं अपने मोबाइल वगैरह लेकर तो आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, आपको जमा करने के लिए बोला जाएगा, वहां पर आपको निकाल दिया जाएगा लाइन से, आप चाहे जितनी लंबी लाइन लगा कर आए हो। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं आपको कहाँ पर आपके मोबाइल वगैरह जमा होते हैं, वो यहाँ पर बना हुआ है, देख सकते हैं लॉकर, ये लॉकर का पूरा रूम है यहाँ पर, और यहाँ पर भी आपको लाइन लगाकर अपने सामान वगैरह जमा करने होते हैं। जैसा यहाँ पर नंबरिंग की गई है, जैसे 14 नंबर, 13 नंबर, 12 नंबर, और आपको टोकन दिया जाता है कि कौन से टोकन में आपका, कौन से नंबर पे आपका सामान जमा हुआ है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद जब आप बाहर की तरफ से आएंगे, मतलब दर्शन करके आएंगे, तो इसके अपोजिट साइड में एक विंडो बना हुआ है, वहां पर आपको सामान दोबारा से प्राप्त होगा, यहाँ पर नहीं प्राप्त होगा, दूसरे तरफ आपको प्राप्त होगा जो इसके अपोजिट साइड में बना हुआ है, और उसके बाद फिर वहां से आपको एग्जिट करना होगा। तो चलिए अब मैं भी अपने जितने भी डिवाइस हैं, मोबाइल फोन वगैरह, सारी चीजें जमा कर देता हूँ। अंदर में वीडियो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें जमा हो जाती है। और अभी अगर आपको टाइम दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 9:50 हुए हैं, और उसके बाद मंदिर के दर्शन करके आएंगे तो कितना टाइम होगा वो भी आपको थोड़ी देर में आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए सारी चीजें जमा करके फिर हम लोग अंदर चलते हैं। तो गाइज मैं अभी बाहर आ चुका हूँ, यहाँ पर मैंने जूता जमा किया था वो मैंने ले लिया है, घड़ी जमा किया था वो भी मुझे मिल गया है, और उसके दूसरे साइड में हमको मोबाइल भी मिल गया है। और घड़ी का अभी टाइम दिखाओ तो यहाँ पर देख सकते हैं 10:35 हुए हैं,
और आप अब अंदाजा लगा सकते हैं कि दर्शन करने में कितना टाइम लगता है। अब हम लोगों को जाना है जहाँ पर हमने बाइक पार्क किया है, वहां पर जाना है। वहां तक जाने में कितना टाइम लगता है वो भी चलिए आपको दिखाता हूँ। अब हम लोग चलेंगे, एग्जिट करेंगे यहाँ से और सीधा जहाँ पे भी एग्जिट गेट बना हुआ है वहां से हम लोग चलेंगे, क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग में दिखाया था कि एंट्री करने के लिए अलग रास्ता है और एग्जिट करने के लिए अलग रास्ता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो कभी कम कभी ज्यादा कुछ ऐसे होता रहता है। देख सकते हैं अभी यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं एंट्री गेट से वो कुछ इतना मात्रा में आ रहे हैं, और यहाँ पर आस्था ट्रेन चलती रहती है, मतलब चल रही है काफी दिनों से, उसके भी यात्री यहाँ पर आते रहते हैं श्रद्धालु, जिसकी वजह से भी आपको यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ दिखाई पड़ रहा होगा। अभी हम लोग उधर की साइड से आए थे और फिर अब हम लोग इधर की साइड से बाहर जा रहे हैं। यह है एग्जिट वाला रास्ता, यहाँ से बाहर जाएंगे, वहां पर बाइक स्कैनिंग होता है, स्कैन करके फिर यहाँ से अंदर जाया जाता है, जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था। अब हम लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं और आगे जो पथ देख रहे हैं वो है राम जन्मभूमि पथ। अगर कोई खो गया है आपके ग्रुप का तो यहाँ पर प्रसारण केंद्र बना हुआ है, यहाँ से आप अनाउंस करा सकते हैं। जगह जगह पर माइक लगा हुआ है, जहाँ पर भी है आपको पता चल जाएगा, या जो भी ग्रुप के हैं आपको उनको पता चल जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं बाहर, और बाहर जाने वाले श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज्यादा आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। लगभग 1 से 1.5 लाख लोग पर डे अभी यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग बाहर की तरफ चलते हैं इसी रास्ते से, इसको राम जन्मभूमि पथ का नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं श्री राम हॉस्पिटल, रामपथ और हनुमानगढ़ी के जाने के लिए जो मार्ग है वो आगे से सारी चीजें यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। सामने जो मार्ग है वो है रामपथ, और बाई साइड में जाएंगे तो हनुमानगढ़ी जा सकते हैं, और दाहिने साइड में जाएंगे तो श्री राम हॉस्पिटल जा सकते हैं। अब यहाँ पर ढलान है और यहाँ से श्रद्धालुओं की संख्या है वो आप देख सकते हैं, जो श्रद्धालु यहाँ से आ रहे हैं और उधर की साइड से जा रहे हैं। और ये है सुग्रीव किला, यहाँ बगल में सुग्रीव किला और यहाँ पर एक और मंदिर है, यहाँ पर भी लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये है सुग्रीव किला, श्री राम जी के दोस्त जिनका यहाँ पर किला बना हुआ है, और यहाँ से आगे से एक पथ आएगा जिसको सुग्रीव पथ के नाम से जाना जाएगा। कुछ टाइम के बाद वो भी बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो भी आपको आने वाले ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर श्रद्धालु बैठ कर थोड़ी देर आराम भी कर सकते हैं, कुछ ऐसा यहाँ पर कैनोपी बनाया गया है जगह जगह पर। और यहाँ पर देखिए पानी की पीने की व्यवस्था है, यहाँ पर आप निःशुल्क जल ले सकते हैं, पानी अगर पीना तो यहाँ से पी सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश पानी। और अब मैं बाहर की तरफ यहाँ से जा रहा हूँ, ये है सामने जो आप मार्ग देख रहे हैं ये है राम पथ, और यहाँ का जो गेट आप देख रहे हैं ये भव्य गेट राम जन्मभूमि पथ। आने के लिए अभी हम लोग उधर से आए थे और फिर यहाँ से हम लोग बाहर जा रहे हैं। यहाँ पर अगर आपको व्हील चेयर की जरूरत है तो यहाँ से आप व्हील चेयर ले सकते हैं, यहाँ पर भी लॉकर बनाया गया है और यहाँ से आपको व्हील चेयर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं भैया व्हील चेयर लेकर खड़े, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपको किसी को व्हील चेयर लेकर जाना होगा जो भी साथ में आया हुआ है। तो अब हम लोग लगभग एग्जिट गेट पर पहुंच चुके हैं, यहाँ से एग्जिट होता है, और ये है भव्य द्वार जिसमें हो सकता है अभी कुछ और काम होना हो। तो अब हम लोग बाहर निकल चुके हैं, आज सामने से आप देख सकते हैं ये है राम पथ जो काफी लंबा है, करीब 13 किलोमीटर का ये राम पथ बनाया गया है। अब चलिए हम लोग बाहर की तरफ चलते हैं सीधा। तो भैया दर्शन कंप्लीट हो गया, दर्शन करके मैं आ चुका हूँ बाहर, और बगल में हमारी पार्किंग है, वहां से हम गाड़ी पे मतलब गाड़ी पार्क किया है, वहां से हम लोग बाहर जाएंगे। और अब आपको टाइम दिखा देता हूँ कितना टाइम लगा है
10:45 हो चुके हैं और कुछ ऐसा ही टाइम था जब हम लोग मंदिर के अंदर में एंट्री कर रहे थे, जब हम लोग मोबाइल जमा कर रहे थे 1 घंटा पहले, तो कुछ इतना टाइम लोगों को लगा। आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको समय समय पर, मतलब वीडियो के बीच बीच में हमने टाइम दिखाता गया मैं, और कितना टाइम लगा सारी चीज़ें मैं इस ब्लॉग में कवर कर लिया। और अगर आप भी मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो ये ब्लॉग देखकर आप भी जान सकते हैं कि कितनी देर लगता है दर्शन करने में। तो अब जितने भी लोगों का सवाल था वो कंप्लीट हो गया इस ब्लॉग के माध्यम से। और भी सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, आगे का ब्लॉग आएगा तो उसमें भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।